नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 जुलाई शनिवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। अजमेर एसीबी ने नसीराबाद के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को 9000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा परिवादी से एडीएम कोर्ट में प्रस्तुत परिवाद में विपक्षी पार्टी को पाबंद करवाने के एवज में 10000 की रिश्वत मांगी गई थी। आरोपी के अन्य ठिकानों पर एसीबी की तलाश जारी है। अजमेर एसीबी के उप महानिरीक्षक समीर कुमार सिंह ने बताया कि परिवादी द्वारा शिकायत दी गई, इसमें लिखा कि एडीएम कोर्ट में प्रस्तुत परिवाद में विपक्षी पार्टी को पाबंद करवाने की एवज में नसीराबाद के सहायक प्रशासनिक अधिकारी कराले उपखंड अधिकारी द्वारा 10000 की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। सत्यापन के बाद उप अधीक्षक प्रभुलाल कुमावत और अन्य टीम ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए सहायक प्रशासनिक अधिकारी कराले उपखंड अधिकारी गिरिराज प्रसाद सैनी को परिवादी से 9000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर स्थित अमरेश्वर कुंड में जयपुर के दो युवकों की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस टीम व पुलिस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने दोनों युवकों को पानी से निकाला। सीओसीटी राजवीर सिंह चंपावत ने बताया कि जयपुर निवासी आधा दर्जन युवकों का एक दल पिकनिक मनाने जयपुर से रणथंभौर आया था। रणथंभौर के अमरेश्वर महादेव कुंड में नहाते समय दो युवक कुंड के गहरे पानी में चले गए और डूब गए, जिससे दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक युवकों की पहचान जयपुर के रामगंज निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद तारिक और 18 वर्षीय आदिल के रूप में हुई। आदिल कपड़ों की सिलाई का काम करता है, जबकि तारिक लोहे का काम करता था। अलवर के मालाखेड़ा में दोसा के अजीतपुर में देवर भाभी मालगाड़ी के आगे कूद गए, जिससे 22 साल के देवर की मौत हो गई और 25 साल की भाभी अलवर जिला अस्पताल में भर्ती है। महिला मृतक निरंजन को खुद का पति बताती रही। पुलिस ने बताया कि हादसे में अजीतपुर के निवासी युवक निरंजन बैरवा की मौत हो गई, जबकि वीरमती घायल हुई है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। महिला बार बार निरंजन के बारे में पूछती रही। बाद में पता लगा कि निरंजन उसका देवर है, जिसके साथ वह घर से निकली थी। निरंजन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके पिता मजदूरी करते हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उदयपुर के सवीना थाने में हनी ट्रैप से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें एक 30 साल के सरकारी फिजिकल शिक्षक को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए लूटने के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों के बीच लंबे समय से व्हाट्सएप पर बातें हो रही थी। महिला ने एक दिन युवक को मिलने घर पर बुलाया, फिर अचानक कमरे में आए कुछ युवक ब्लैकमेल कर रुपए मांगने लगे। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मोनिका कुंवर, राजेंद्र सिंह राजपूत, आसपुर निवासी विक्रम सिंह, भवान सिंह, केसर सिंह और अंबा माता निवासी लोकेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला मोनिका कुंवर इससे पहले भी कई लोगों को 376 के मुकदमों में फंसाकर वसूली कर चुकी है। सीकर जिले में घर से स्कूल जा रहे दो टीचरों को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया, मगर एक टीचर की मौत हो गई। दूसरे टीचर को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। सदर थाना इलाके के रहने वाले भरत कुमार ने मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि उनके पिता बाबूदान कुमार अपने साथी टीचर हरि सिंह के साथ बाइक पर घर से स्कूल महात्मा गांधी राजकीय स्कूल किरडोली के लिए रवाना हुए थे। जब वह सबलपुरा रोड पर होटल तेज पैलेस के पास पहुंचे, तो सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। दोनों गंभीर घायल हो गए। अस्पताल में पहुंचने पर टीचर पाबूदान की मौत हो गई। मामले की जांच एएसआई दिलीप सिंह कर रहे हैं। जयपुर में अधिकारी की व्हाट्सएप डीपी लगाकर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठग ने वित्तीय सलाहकार को व्हाट्सएप मैसेज कर गिफ्ट वाउचर खरीदवाए। 70000 रुपए के वाउचर रिडीम कर ऑनलाइन ठगी कर डाली। गांधीनगर थाने में पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एसएचओ नेमी चंद ने बताया कि बापूनगर निवासी 56 वर्षीय आरती बागोटिया ने बताया कि वह राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वित्तीय सलाहकार है। उनके पास व्हाट्सएप मैसेज आया। डीपी में परियोजना निदेशक कुमारपाल गौतम की फोटो लगी थी। मैसेज में लिखा था कि आप 10000 के 30 वाउचर खरीद के लिंक शेयर करें। पूछने के लिए कॉल करने पर फोन काट दिया। दोबारा मैसेज आया कि मैं मीटिंग में हूँ, बात नहीं कर सकता। 10000 के 30 गिफ्ट वाउचर खरीद लें। मैंने वाउचर खरीद कर लिंक शेयर किया। शक पर बैंक जाकर पेमेंट होल्ड करवाया, लेकिन उससे पहले 70000 के गिफ्ट वाउचर रिडीम हो चुके थे। कोटा जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के 4 साल पुराने मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने बताया कि 24 वर्षीय कुणाल जाडोला निवासी झालावाड़ को 14 साल कारावास की सजा व 2 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है।
आरोपी को कार से डोडा चूरा बरामद हुआ था। जानकारी के अनुसार केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा की टीम ने 7 सितंबर 2018 को हैंगिंग ब्रिज के पास कार को रुकवाकर तलाशी ली तो कार से 76 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ था। टीम में नशे की खेप को जब्त कर NDPS एक्ट की धारा में मामला दर्ज किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट में 13 गवाहों के बयान करवाए। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के देवगढ़ थाना क्षेत्र के रणछोड़ गांव में 15 वर्षीय युवती ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद तबीयत बिगड़ी। परिजन उसे अस्पताल लेकर आए, जहां पर युवती ने दम तोड़ दिया। देवगढ़ थाना पुलिस ने जांच अधिकारी सुनील कुमार मौके पर पहुंचे, परिजनों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि 15 वर्षीय पूजा ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों ने बताया कि युवती खरीदारी करने के लिए बाजार जाने की इच्छा जता रही थी, जिस पर परिजनों ने मना कर दिया। युवती दोपहर में अपनी माता के साथ खेत पर काम कर रही थी, इसी दौरान वह घर आई और जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग सगाई करने की बात से नाराज होकर घर से निकल गई। वो 6 दिन इंदरगढ़ व 6 दिन चौथ का बरवाड़ा में रुकी, फिर वहां से ट्रेन में बैठकर रामदेवरा चली गई। रामदेवरा में 1 महीने रुकी, वापस ट्रेन में बैठकर लौटते समय पुलिस ने उसे दस्तयाब किया। बाल कल्याण समिति रोस्टर सदस्य मधुबाला शर्मा के सामने पेश किया, जहां से उसे अस्थायी आश्रय दिलाया गया। मधुबाला शर्मा ने बताया कि 13 साल की बालिका के माता पिता की मौत हो चुकी है। वो 9 बहनों और 8वें नंबर की है। अपनी बड़ी बहन के पास रहती है। उसकी 3 बहनें अभी कुंवारी हैं। बालिका ने बताया कि उसके जीजा व दीदी लड़कों वालों को पैसे लेकर सगाई करते हैं। उससे बड़ी बहन की सगाई भी 3 लाख रुपए लेकर की थी। दीदी जीजा 4 लाख रुपए लेकर उसकी सगाई किसी लड़के से करना चाहते हैं। बालिका ने अपनी बड़ी बहन के साथ जाने से इनकार कर दिया। हर साल की तरह इस बार भी राजस्थान परिवहन निगम ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा करवाने की घोषणा की है। राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों ने बताया कि फ्री ट्रैवल का लाभ केवल रोडवेज की सामान्य और एक्सप्रेस बसों में ही मिलेगा। एसी व वॉल्वो बसों में यात्रा के लिए चार्ज देना पड़ेगा। इसके साथ ही फ्री ट्रैवल का लाभ केवल राजस्थान की टेरिटरी में ही मिलेगा। राजस्थान से बाहर जाने पर पैसे देने होंगे और मुफ्त यात्रा का लाभ 10 अगस्त रात 12 बजे से मिलना शुरू होगा, जो 11 अगस्त की रात 11:59 तक मिलेगा। एडवांस टिकट के अलावा राखी वाले दिन बस के अंदर भी परिचालक की ओर से 0 बैलेंस वाले टिकट जारी किए जाएंगे।